बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं डाइजेशन इन ह्यूमंस को एक्सप्लेन करूंगा। लाइव स्ट्रीमिंग बेहतर बनाने के लिए मैं अपनी तस्वीर को यहां से थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो फूड की डाइजेशन होती है, आइए उसको हम माउथ से लेकर एनस तक समझने की कोशिश करते हैं। वो जो मैंने आप मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स बताए थे, इंजेशन, प्रोपल्शन, प्रोपल्शन नहीं समझाया। प्रोपल्शन का मतलब होता है खाने का आगे की तरफ बढ़ना। देखिए, जब आप खाना मुंह में डालते हैं तो ये खाना जो है मस्कुलर मूवमेंट की वजह से, जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, ये खाना आगे की तरफ बढ़ता हुआ इधर एनस की तरफ आ जाता है। तो ये प्रोपल्शन है, यानी मूवमेंट ऑफ द फूड। उसके बाद मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, और ये इजेशन का मतलब होता है पखाने का निकलना, जिसको डिफिकेशन भी बोलते हैं। तो आइए इन मराहल को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आप शुरू कर सकते हैं माउथ से। आप जानते हैं कि माउथ में टीथ भी है, टंग भी है और सलाइवा भी है। तो टीथ के बारे में तफसील से पढ़ चुके हैं, अब आइए सलाइवा के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो सलाइवा है, जिसकी प्रोडक्शन जो है 24 आवर्स में 1.5 लीटर होती है, और बड़े काम की चीज है ये सलाइवा। इसे प्रोड्यूस करने के लिए हमारे चीक्स के अंदरूनी साइड पे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, 3 ऑन द लेफ्ट साइड एंड 3 ऑन द राइट साइड। तो टोटल 3 पेयर्स हैं, और लेकिन टोटल ये 6 हो गए। तो देर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि इतनी मकदार में पर डे सलाइवा पैदा करते हैं। सलाइवा में 95% पानी है, उसके बाकी म्यूकस है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है और लाइसोजाइम एंजाइम है। लाइसोजाइम एंजाइम खाने और पानी में अगर कोई जर्म्स है तो उसकी लाइसिस यानी किल करने के काम आता है, और सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को कन्वर्ट करने के काम आता है। तो इंसान जब अपने मुंह में निवाले को चबा चुका और उसके बाद निवाला निगलने के लायक होता है तो ये बोलस बन जाता है, और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से ये होता हुआ ये आपके एसोफेगस से गुजर कर फिर ये स्टमक में जाता। ये देखें, ये एसोफेगस की, ये एसोफेगस दिखाया गया है, इसकी मसल्स कंट्रैक्ट हो रही हैं, तो फूड जो है वो आगे की तरफ प्रोपेल हो रहा है। प्रोपल्शन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द फूड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यूं ये सारा फूड जो है वो स्टमक में आ जाता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज एक्चुअली द मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। और कभी कभी एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, तो स्टमक के अंदर जो कुछ है वो उगल के उल्टी की सूरत में बाहर निकल। अब आइए स्टमक के मजमूई तौर पर फंक्शंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये इंसान का स्टमक है, जहां पे एसोफेगस खत्म हुआ तो स्टमक शुरू होगा, और यहाँ पे एक वाल होता है जिसको इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं, और यहाँ पे स्टमक खत्म होगा तो यहाँ से ड्यूडिनम शुरू होगा, जो कि फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और इसे ड्यूडिनल स्फिंक्टर कहते हैं। तो जब खाना आ जाता है स्टमक में, तो ये दोनों जो एसोफेजियल स्फिंक्टर है या ड्यूडिनल स्फिंक्टर है, ये बंद हो जाते हैं ताकि खाना आसानी से यहाँ रुके और हजम हो जाए। तो स्टमक अपने खाने को तकरीबन इसमें आप 1 किलोग्राम के लें तो उसके मुताबिक जो है खाना यहाँ पर जमा हो जाता है। तो स्टमक कैन स्ट्रेच टू फिट अराउंड 2 pounds ऑफ द फूड, यानी स्टमक इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन जब इसमें खाना आता है तो ये बड़ा हो जाता है। कितना बड़ा हो जाता है कि जिसमें तकरीबन 1 किलोग्राम के करीब। कुछ लोग थोड़ा ज्यादा खाते हैं तो उनका स्टमक ज्यादा स्ट्रेच होता है, लेकिन फिर हालत खराब होती है। तो स्टमक में होता क्या है, एक तो फूड स्टोर होता है जब तक वो स्टमक में डाइजेस्ट होके ड्यूडिनम में जाने के काबिल ना हो जाए।
दूसरा स्टमक के अंदर चूंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसका पीएच काफी ज्यादा है, पीएच 2 है, तो ये डिसइनफेक्ट करता है खाने और पानी के अंदर अगर कोई जरासीम है। और तीसरा स्टमक वो चीज है जहां पे पेप्सिन प्रोड्यूस होती है जो कि एक एंजाइम है और ये पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन को डाइपेप्टाइड प्रोटीन में कन्वर्ट करती है। तो ये स्टूडेंट्स आपका स्टमक है और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन की जगह है, ना तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट टच होते हैं ना ही यहाँ पर डाइजेशन होती है लिपिड्स की। दिस इज एक्सक्लूसिवली डाइजेशन एरिया फॉर प्रोटीन। अब इससे सवाल है नीचे कि स्टमक जो है, स्टमक इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, तो अगर स्टमक खुद भी स्टमक गोश्त है ना, गोश्त का बना हुआ है, हवा का तो नहीं बना हुआ, तो अगर स्टमक गोश्त का बना हुआ है तो गोश्त में तो प्रोटीन होती है, तो स्टमक जब पेप्सिन एंजाइम बनाता है तो ये स्टमक के गोश्त को क्यों नहीं गला देती? उसकी वजह ये है कि स्टमक अपने अंदर एक म्यूकस प्रोड्यूस करता है और ये म्यूकस जो है ना वो स्टमक की वाल से लिपट के लग जाता है। तो अगर हाइड्रो इसमें पेप्सिन एंजाइम जो है वो स्टमक की वाल की तरफ जाकर स्टमक की गोश्त को या गोश्त की प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगी तो म्यूकस उसको डाइल्यूट कर देगा। तो स्टमक के अंदर तीन काम होते हैं, फूड स्टोर होता है, जरासीम डिसइनफेक्ट होते हैं और यहाँ प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन होती है, यानी पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन कन्वर्ट हो जाते हैं डाइपेप्टाइड प्रोटीन में। आइए हम आपको स्टमक का एक एनाटॉमिकल सेक्शन निकाल के दिखाते हैं। स्टमक के अंदर ये जो सेल्स आपको ऑरेंज कलर में दिखाए गए हैं ये कहलाते हैं चीफ सेल्स, और ये जो येलो कलर में दिखाए गए हैं ये पैरेटल सेल्स हैं। चीफ सेल्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू सीक्रेट एन इन एक्टिव एंजाइम विच इज कॉल्ड पेप्सिनोजिन, और ये जो पैरेटल सेल है दे आर रिस्पॉन्सिबल टू सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टमक अपने चीफ सेल्स की मदद से पेप्सिनोजन बनाता है विच लेटर ऑन कन्वर्ट्स इनटू द पेप्सिन आफ्टर बीइंग एक्टिवेटेड बाय द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आइए इसको थोड़ा मजीद देखते हैं। ये स्टमक की एनाटॉमी है। असल में आप इसको ये समझिए कि स्टमक के अंदर जैसे ही खाना आता है तो स्टमक का जो दरमियान वाला हिस्सा होता है ना, बीच वाला हिस्सा, इसको कहते हैं फंडस। तो खाना जैसे ही फंडस से लगेगा तो फंडस जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है और फंडस एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है गैस्ट्रिन हार्मोन, और गैस्ट्रिन हार्मोन स्टमक के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो स्टमक क्या करेगा, अपने चीफ सेल्स की मदद से पेप्सिनोजन प्रोड्यूस करेगा और अपने पैरेटल सेल्स की मदद से ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। पेप्सिन इनएक्टिव एंजाइम है ये, वक्त मुकर्रर आपे जिस दिन आपने प्रोटीन वाला खाना खाया है उस दिन ये पेप्सिनोजिन जो है एचसीएल इसको एक्टिवेट करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में और फूड के अंदर पड़ी हुई एंजाइम को प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। अब आपको समझ में आना चाहिए कि स्टमक डायरेक्ट पेप्सिन इसलिए नहीं प्रोड्यूस करता क्योंकि रोजाना आप प्रोटीन वाला खाना नहीं खाते। तो अगर रोजाना प्रोटीन वाला खाना नहीं खाते और स्टमक ने पेप्सिन प्रोड्यूस करनी थी तो ये पेप्सिन खुद स्टमक के गोश्त को डाइजेस्ट कर लेती, इसलिए स्टमक क्या करता है, इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजिन बनाता है। तो जिस दिन आपने गोश्त वाला कोई डिश खाया है तो उसमें प्रोटीन होगी, तो उस दिन पेप्सिनोजिन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिवेट करके पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा और फिर ये पेप्सिन आपकी प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। कुदरत की शान देखें, सुभान अल्लाह। तो ये आपका स्टमक है, इसके दरमियान वाले हिस्से से जिसको फंडस कहते हैं उसे गैस्ट्रिन हार्मोन सीक्रेट होता है और ये गैस्ट्रिन हार्मोन ही है जो स्टमक के अंदर से पेप्सिनोजिन और फिर पेप्सिन सीक्रेट करवाता है। एक्चुअली पेप्सिन सीक्रेट नहीं होती, सीक्रेट तो पेप्सिनोजिन होता है लेकिन एक्टिवेट होने के बाद पेप्सिनोजिन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। तो स्टमक के अंदर सारे का सारा जो फंक्शन है वो गेस्ट्रिन हार्मोन का है। तो गेस्ट्रिन हार्मोन क्या है, इट इज अ हार्मोन सीक्रेटेड बाय द फंडस पार्ट ऑफ स्टमक, और इसकी जिम्मेदारी है कि ये पैरेटल सेल्स और चीफ सेल्स से एचसीएल और पेप्सिनोजिन प्रोड्यूस करवाए और फूड को
इमल्सिफाई करने में और डाइजेस्ट करने में हेल्प करे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये एक तो खाने को गला देता है, जो खाना आप खाते हो वो सॉलिड फॉर्म में होता है, इसमें अगर ये तेजाब मिल जाए तो वो गल के पतला आटा हो जाता है, उसको चाइम बोलते हैं। और पेप्सिन क्या है, ये कंप्लीट एंजाइम है, लेकिन स्टमक पहले पेप्सिन नहीं बनाता, स्टमक पहले बनाता है पेप्सिनोजिन, फिर वो कन्वर्ट हो जाती है पेप्सिन में, और फिर ये पेप्सिन पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन को प्रोटीन में कन्वर्ट करती है। तो आइए कुछ टर्म्स को समझते हैं। चाइम क्या है, वो खाना जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाए और खाना एक पतले आटे की तरह, गाढ़े से आटे की तरह हो जाए तो उसको चाइम बोलते हैं। गैस्ट्रिन क्या है, वो हार्मोन जो स्टमक के अंदर सीक्रेट होता है और स्टमक के सारे फंक्शंस फिर इसके माध्यम होते रहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको बता दिया कि ये तेजाब है, ये फूड को इमल्सिफाई करने में, गलाने में भी काम आता है, और ये HCl जो है ये उसके काम आता है ना जर्म्स को किल करने में। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि HCl की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो ये HCl स्टमक की वाल की तरफ बढ़ता है इसे नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन स्टमक क्या करता है, म्यूकस का एक लेयर लगा देता है, थूक का एक लेयर लगा देता है, और जैसे ही HCl इसमें जाएगा वाल की तरफ तो म्यूकस के अंदर पानी HCl के अंदर मिक्स होगा और उसकी एसिडिटी को डायल्यूट कर देगा। पेप्सिनोजिन इनएक्टिव एंजाइम है और ये एक्टिव होकर फिर पेप्सिन बन जाती है, और म्यूकस मैंने आपको बताया कि स्टमक म्यूकस अपने प्रोटेक्शन के लिए बनाता है, म्यूकस बनाकर, म्यूकस को समझे कि एक थूक है जो कि स्टमक पैदा करता है। तो ये जैसे आपको तीखी मिर्च लगे तो आप क्या करते हैं, पानी पीते हैं ना, तो उससे मिर्चों की तासीर कम हो जाती है, तो स्टमक म्यूकस बनाता है ताकि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक की तरफ भर के इसकी वाल को नुकसान पहुंचाए तो स्टमक उसमें अपना म्यूकस का पानी मिक्स करके उसको डायल्यूट कर दे। रेनिन एंजाइम है जो बच्चों के स्टमक से पैदा होती है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। और केजिनोजिन प्रोटीन है, ये भी मैं अभी आपको समझाता हूँ। और केजिन भी, ये केजिनोजिन इनएक्टिव है और केजिन जो है ना एक्टिव है, मैं आपको ये भी समझाता हूँ। तो ये देखें आपका स्टमक है और इसका बीच वाला पार्ट फंडस है, और यहां से गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो स्टमक से सारे काम करवाता है। कौन कौन से काम, स्टोरेज ऑफ फूड, मैकेनिकल डाइजेशन और डाइजेशन। ये देखिए फूड पड़ा हुआ है और स्टमक जो है, स्टमक खुद को, अब मैं तस्वीर ऑन कर रहा हूं, स्टमक क्या करता है, खाने को ऐसे करके पीस रहा होता है, ऐसे करके पीस रहा होता है स्टमक। तो यूं ये 4-5 घंटे मुसलसल करता रहता है, उसके नतीजे में क्या होता है, फूड जो है वो एक पतले आटे। तो आइए इन तीन चीजों को समझते हैं। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, द गैस्ट्रिक जूस इज सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड इन द स्टमक वाल, और इसकी काम क्या है, नंबर वन टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच विल किल हार्मफुल बैक्टीरिया एंड आल्सो इट विल बी एडिड इनटू द फूड, ताकि फूड जो है ना वो सॉलिडिफाई से थोड़ा सा लिक्विडिफाई हो जाए। फिर प्रोटीएज एंजाइम जिसको आपने पेप्सिनोजन और पेप्सिन के नाम से पुकारा, तो ये जो एंजाइम है वो प्रोटीन को कन्वर्ट करती है डाइपेप्टाइड में। याद रखें कि देयर इज नो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर फैट्स इन द स्टमक, स्टमक इज ओनली फॉर डाइजेशन ऑफ, पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड। याद रखें कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन की इब्तदा माउथ से होती है, कार्बोहाइड्रेट्स रिमेन अनटच्ड इन स्टमक और उनकी फाइनल डाइजेशन ड्यूडेनम में होती है। प्रोटीन रिमेन अनटच्ड इन माउथ, और प्रोटीन की डाइजेशन शुरू होती है स्टमक से और खत्म होती है ड्यूडेनम में। लिपिड्स की टचिंग नहीं होती ना माउथ में ना स्टमक में, लिपिड्स की, वो कहते हैं ना तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, तो लिपिड्स की डाइजेशन ड्यूडेनम में ही शुरू हो जाती है। और वही लेट अस टॉक अबाउट पेप्सिन के हाउ इट इज प्रोड्यूस। ये देखें ये जो आपको ऊपर वाले गुलाबी सेल्स नजर आ रहे हैं और ये गोल्डन सेल्स नजर आ रहे हैं, ये पैरेटल सेल्स हैं, गोल्डन गोल्डन जो नजर आ रहे हैं, और ये नीचे वाले, ये वाले जो सेल्स हैं वो चीफ सेल्स। तो पैरेटल सेल्स का प्रोड्यूस करेंगे HCl, और चीफ सेल्स ये वाले, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये पेप्सिनोजिन एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे जिसको जाइमोजिन भी कहते हैं। फिर क्या होगा कि जिस दिन आपने गोश्त वाली डिश खाई तो HCl क्या करेगा, पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। पेप्सिनोजिन आफ्टर बीइंग एक्टिवेटेड विल बी कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन,
और पेप्सिन फिर क्या करेगी, डाइट्री प्रोटीन के अंदर प्रोटीन्स के पॉलीपेप्टाइड को डाइपेप्टाइड में, और फिर ड्यूडिनम में जाकर डाइपेप्टाइड जो है मोनोपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जहां तक इन्फेंट्स यानी बच्चों का ताल्लुक होता है, तो बच्चा होता है दूध पीता, और दूध एक लिक्विड है। तो बच्चा जब दूध पीता है तो वो दूध तो पानी की तरह होता है, तो बच्चे को फीलिंग ऑफ फुलनेस यानी स्टमक को भर जाने का एहसास नहीं होता। तो कुदरत ने कमाल दर्जे की बायोलॉजी रखी है कि बच्चे का स्टमक जो है बनाता है रेनिन। क्या है रेनिन? इट इज एन एंजाइम फाउंड इन द स्टमक ऑफ बेबी। बच्चे के स्टमक में ये रेनिन प्रोड्यूस होती। फंक्शन क्या है कि बच्चे ने जो दूध पिया है उस दूध में सॉल्यूबल प्रोटीन होती है। अब ये सॉल्यूबल हैं तो ये फौरन एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए, लेकिन बच्चे के स्टमक को भर जाने का एहसास भी तो देना है। तो ये रेनिन क्या करता है, मिल्क के अंदर घुस के सॉल्यूबल प्रोटीन को चेंज करता है इन सॉल्यूबल प्रोटीन में। सॉल्यूबल प्रोटीन जो कि जिनको डाइजेस्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन दे आर कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्यूबल प्रोटीन, ताकि थोड़ा सा दही की तरह ये दूध गाढ़ा गाढ़ा सा हो और बेबी को महसूस हो कि मेरा पेट भरा हुआ। तो रेनिन कैजिनो जिनको कैजीन में कन्वर्ट करता है, और फिर जो है पेप्सिन उसको फर्दर डाइजेस्ट करता है। यानी कुदरत ने बच्चे की ख्याल रखा है। तो आइए थोड़ा बड़े और बच्चे में फर्क देख लें। बच्चों के स्टमक में पहले होती है प्रोरेनिन। ये प्रोरेनिन क्या करेगी, ये रेनिन को प्रोड्यूस करेगी। रेनिन क्या करेगी, दूध के अंदर जो कैजिनोजिन है इसको कन्वर्ट करेगी कैजीन में। ये कैजिनोजिन सॉल्यूबल प्रोटीन है और कैजीन इनसॉल्यूबल प्रोटीन है। तो ये इसलिए किसको करेगी इनसॉल्यूबल में, ताकि ये दूध जो है थोड़ा दही की तरह गाढ़ा हो जाए और बच्चे को पेट भर जाने का एहसास हो। तो प्रोरेनिन रेनिन को प्रोड्यूस करेगा, रेनिन कैजिनोजिन को कैजिन में कन्वर्ट करेगी, और फिर पेप्सिनोजिन पेप्सिन को प्रोड्यूस करेगा, और पेप्सिन क्या करेगी, जो बेबी के अंदर ये कैजिन प्रोटीन है ये कैजिन प्रोटीन डाइजेस्ट होके सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो आपका स्टमक जो है प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन के लिए, उसके बाद मामला आता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। अच्छा, अब थोड़ा सा याद रखें कि खाना अभी स्टमक में होता ही है और डाइजेशन के फाइनल मराहल में होता है, तो थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होके ये ड्यूडिनम की तरफ आ जाता है मैसेज लेकर के, फूड इज अबाउट टू डाइजेस्ट और अभी आपकी बारी आने वाली है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जिसके तीन हिस्से हैं, ड्यूडिनम, जुजिनम और इलियम, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्यूडिनम में आकर, ये देखिए ये अगर स्टमक है तो ये ड्यूडिनम है, तो स्टमक से थोड़ा एचसीएल सीक्रेट होकर ड्यूडिनम में आएगा और ड्यूडिनम स्टिमुलेट हो जाएगा कि वाह खाना डाइजेस्ट होके मेरे पास आ रहा है। तो ड्यूडिनम क्या करता है, एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है सीक्रेटिन हार्मोन, और ये सीक्रेटिन हार्मोन जो है वो पेनक्रियास की तरफ जाएगा और पेनक्रियास के लिए मैसेज होगा कि फूड ड्यूडिनम में पहुंचने वाला है, फूड के अंदर फला चीज इतनी फला चीज इतनी फला चीज इतनी डाइजेस्ट हो चुकी है, इसको मजीद डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये देखें स्टमक में खाना अभी फाइनली डाइजेस्टिव हो चुका होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है ड्यूडिनम में, और ड्यूडिनम से फिर सीक्रेटिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि पेनक्रियाज में जाकर मैसेज कम्युनिकेट करता है कि फूड की डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स भेजी जाए। तो ये इस तरह से देखिए मैसेज चला गया पेनक्रियाज की तरफ, और सिमिलरली ये मैसेज जो है ना वो लिवर की तरफ भी चला जाता है, क्योंकि लिवर सीक्रेट करता है बाइल साल्ट को जो कि बाद में आके गाल ब्लेडर में स्टोर होती है, और फिर ये बाइल डक्ट से आती है ड्यूडिनम में, और ये फैटी मटीरियल को यानी लिपिड को जो कि है उसको डाइजेस्ट करती है। तो सीक्रेटिन क्या है, वो हार्मोन जो ड्यूडिनम ने बनाकर पेनक्रियास की तरफ भेजना है, ये सी हियर ड्यूडिनम से स्टमक से खाना ड्यूडिनम की तरफ आया, और ड्यूडिनम ने एक तो लिवर के जरिए बाइल साल्ट प्रोड्यूस करवानी है, उस बाइल साल्ट ने ये गाल ब्लेडर में आके स्टोर होना है, और दूसरा पेनक्रियास की तरफ से
डाइजेस्टिव एंजाइम्स मंगवानी है। अच्छा, ड्यूडिनम के बाद जो हिस्सा आता है वो है जुजीनम। इसमें माल्टेज, सुक्रेज, लेक्टेज, ये सारी इंजाइम्स प्रोड्यूस होती है ताकि फूड जो है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाए। अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके माउथ में स्टार्च कन्वर्ट हो गया था माल्टोज में, तो जब ड्यूडिनम में माल्टोज आएगा तो माल्टेज एंजाइम उस माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी, तो ड्यूडिनम में कार्बोहाइड्रेट्स मुकम्मल तौर पर हजम हो जाते हैं। दूसरी बात, आपके स्टमक में पेप्सिन ने पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन को डायपेप्टाइड प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया था, तो जब ये डायपेप्टाइड प्रोटीन यहां आएगी तो पेनक्रियास ड्यूडिनम में एंजाइम भेजेगा प्रोटीएज, जो कि डायपेप्टाइड प्रोटीन को मोनोपेप्टाइड अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगी। तीसरी चीज है लिपिड, जो कि न माउथ में डाइजेस्ट हुए न स्टमक में, वो सारे के सारे चले आए ड्यूडिनम में। तो बाइल साल्ट जो कि लिवर में बनता है, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है और बाइल डक्ट के जरिए फिर ये आता है ड्यूडिनम में। बाइल साल्ट क्या करता है, ड्यूडिनम में पड़े हुए लिपिड्स को इमल्सीफाई करके सिंपल कर देता है और फिर लाइपेज एंजाइम जो पेनक्रियास से आती है ड्यूडिनम की तरफ, वो लाइपेज एंजाइम जो है वो लिपिड को कंप्लीटली फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल में डाइजेस्ट कर देते। उसके बाद इंटेस्टाइन का अगला, ये देखिए ये स्टमक है, यहाँ प्रोटीन की डाइजेशन हुई है और कार्बोहाइड्रेट पार्शियली माउथ में डाइजेस्ट होकर यहाँ आ गए हैं और लिपिड्स बिल्कुल भी अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुए। ये जब कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ आएंगे यानी माल्टोज यहाँ आएगा तो उसकी फाइनल डाइजेशन होगी, डाइपेप्टाइड प्रोटीन आएंगे उसकी फाइनल डाइजेशन होगी और अनटच्ड लिपिड्स आएंगे तो उसकी भी डाइजेशन होगी, फिर ये खाना लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन को आप देखें, इसके अंदर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इसको बड़ा करके देखते हैं, इसको और बड़ा करके देखते हैं, इसको विलाई बोलते हैं। इसके अंदर ये देखें, ये आपको ब्लू कलर में वेन नजर आ रही है, रेड कलर में आर्टरी नजर आ रही है और येलो कलर में लिम्फेटिक वेसल नजर आ रही है, क्योंकि खाना हजम हो चुका है। अब इस खाने में ग्लूकोस है, इस खाने में अमाइनो एसिड है और इस खाने में फैटी एसिड है। तो जैसे ही ग्लूकोस, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड यहां से गुजरेंगे तो ये इंटेस्टाइन की विलाई ग्लूकोस को एब्जॉर्ब करेंगे, अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब करेंगे, कौन, ब्लड वेसल्स, और ये ब्लड वेसल्स के जरिए ये सारी चीजें एब्जॉर्ब होकर लिवर में जाएंगी। बाकी बचा फैटी एसिड्स तो वो ब्लड वेसल्स के जरिए नहीं जाएगा, वो लिम्फेटिक वेसल्स के जरिए से लिवर में जाएगा। यानी लिम्फेटिक वेसल्स अपने ओपनिंग लेक्टिल्स की मदद से फैटी एसिड्स उठा रही होती हैं जो कि डाइजेस्टेड फॉर्म है लिपिड्स का, और ब्लड वेसल्स जो है ग्लूकोस और अमाइनो एसिड उठाती हैं और ये सारी चीजें फिर जाके लिवर में जमा होती है। तो इंटेस्टाइन के अंदर विलाई होते हैं और यहां से क्या होता है कि फूड के जो डाइजेस्टेड पार्ट है उसको ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स एब्जॉर्ब करके ले जाती हैं आगे। ओके, ये देखें आप, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनको विलाई बोलते हैं। तो यहां से जब खाना गुजरेगा तो खाने के अंदर जो फूड के अंदर ग्लूकोस और अमाइनो एसिड है ये ब्लड वेसल में जज्ब हो जाएगा और लिवर की तरफ चला जाएगा और लिम्फेटिक वेसल्स क्या करेंगी, फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब करके। अच्छा, वजह क्या है, वजह यह है कि अगर ब्लड वेसल्स में से फैटी मटीरियल को पास किया जाता है तो फैटी मटीरियल कहीं अगर डिपॉजिट हो जाए तो ब्लड वेसल्स ब्लॉक। 12 से देखें कि ये ग्लूकोस और अमाइनो एसिड जो है वो ब्लड वेसल्स के जरिए जाएंगे और ये जो लंबी लंबी है ये लिम्फेटिक वेसल, इसकी ओपनिंग लैक्टिल कहलाती है, तो फैटी एसिड्स इस लैक्टिल के जरिए से लिवर तक। फिर हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के चार पार्ट्स पढ़ते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला हिस्सा जो है ये सीकम कहलाता है और डजंट प्ले एनी रोल इन द डाइजेशन, रादर इट इज रिस्पॉन्सिबल टू सीक्रेट विटामिन के which is highly helpful in men and women in internal clotting of the blood. तो ये सीकम है और ये घर है एशियर्शिया कोलाई बैक्टीरिया का। ये कोलोन है, इसको असेंडिंग कोलोन कहते हैं क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। ये भी कोलोन है, ये इस तरफ जा रहा है तो इसको ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं, जब नीचे आएगा तो इसको डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं। और ये जो आखिरी हिस्सा है ये रेक्टम है और यहाँ पे पखाना स्टोर होता है और जब
फीलिंग ऑफ फुलनेस होती है, तो ये पखाना जो है एनस के जरिए निकल जाता है। तो आइए वन बाय वन पढ़ते हैं। ये जो सीकम है ना, इसका काम क्या है? सॉरी, मुझे एक और बात बतानी चाहिए थी, आई एम सॉरी। ये अपेंडिक्स है जो विटामिन के सीक्रेट करता है। अपेंडिक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ विटामिन के। गलती हो गई, नॉट सीकम, अपेंडिक्स, जिसको वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी बोलते हैं। और ये घर है एक कोलाई बैक्टीरिया का। तो सीकम क्या करता है, खाना जो हजम होके आया है उसमें पानी भी होगा और उसमें मिनरल्स भी होंगे, तो सीकम क्या करेगा, खाने में से पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगा। सीकम अपेंडिक्स तो मैंने बताया कि ये इकोलाई का घर है और इकोलाई डाइजेशन के लिए कुछ नहीं करते। जहां तक ये कोलोन है, यानी ये असेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, यहां यहां पर सीकम में मैंने बताया क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, वाटर एंड साल्ट। लेकिन ये जो कोलोन है इसमें वाटर, साल्ट, मिनरल्स, विटामिन सब यही एब्जॉर्ब होते हैं। यानी सीकम वाले पार्ट में सिर्फ पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं, और कोलोन वाले पार्ट में वो पानी जो सीकम एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, वो मिनरल्स जो सीकम एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, उसको कोलोन एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा खासा लंबा होता है, और साथ साथ खाने के अंदर जो विटामिन है वो भी कोलोन एब्जॉर्ब करेगा और लिवर की तरफ ये ट्रांसफर कर देगा। उसके आखिरी पार्ट आता है रेक्टम, जहां पर अनडाइजेस्टेड फूड जमा होता है, और वहां से फिर वो, जब आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस होती है तो आपका पखाना। डियर स्टूडेंट्स, डाइजेस्ट सिस्टम दो ऑर्गन्स के तस्करे के बगैर, रादर तीन ऑर्गन्स के तस्करे के बगैर मुकम्मल नहीं होता। उसमें एक लिवर है, दूसरा पेनक्रियाज है, और तीसरा गाल ब्लैडर। याद रखें कि लिवर आपके बॉडी की मेटाबॉलिक फैक्ट्री है, लिवर आपके बॉडी का स्टोरेज ऑर्गन है, और लिवर आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन यूनिट है। इसकी तफसील इंटर की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 में है और वहां मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि लिवर जो है, जो कि मेटाबॉलिक फैक्ट्री है, डिटॉक्सिफिकेशन यूनिट, स्टोरेज ऑर्गन है, कई काम इसके जिम्मे हैं। लेकिन एज फार एज डाइजेशन इज कंसर्न, तो लिवर के जिम्मे ये कि बाइल सॉल्ट बनाता है और ये फिर ट्रांसफर कर देता है गाल ब्लेडर में, और गाल ब्लेडर जब जरूरत हो तो बाइल सॉल्ट सीक्रेट करता है, और वो बाइल सॉल्ट आके लिपिड को इमल्सीफाई यानी पार्शियली डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो मैं लिवर के वो फंक्शंस जो मैंने इंटर के चैप्टर 1 में, उसके लिए मैं शिफ्ट कर देता हूँ, अभी नहीं समझा रहा। तो ये देखें, ये आपका पेनक्रियाज है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। ये आप इंटर की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। ये देखें, ये पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इसको आइलेट ऑफ लेगहॉर्न्स बोलते हैं। और पेनक्रियाज मैंने कहा कि एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, लिवर इज रिस्पॉन्सिबल टू सीक्रेट सम एंजाइम्स, एंड एज एंडोक्राइन ग्लैंड, लिवर इज रिस्पॉन्सिबल टू सीक्रेट सम हार्मोन। ये हार्मोन हम चैप्टर 3 इंटर में पढ़ेंगे। एंजाइम्स अलबत्ता मैं ये पढ़ा देता हूँ कि जब खाना स्टमक से मूव होकर ड्यूडिनम में आता है तो सीक्रेटिन हार्मोन जो कि ड्यूडिनम से पेनक्रियाज की तरफ आता है, तो पेनक्रियाज ने बनानी होती है अमाइलेज एंजाइम जो कि माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी। फिर दूसरा है लाइपेज एंजाइम जो लिपिड को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करेगी। फिर होता है प्रोटीज एंजाइम जो प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगी। इस तरह से फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट होगा। तो लिवर के बगैर, गाल ब्लेडर के बगैर और पेनक्रियास के तस्करे के बगैर डाइजेस्टिव सिस्टम नामुकम्मल है। दिलचस्प बात है कि ये तीनों ऑर्गन के मैंने नाम लिए, ये किसी भी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेकिन कोई भी सिस्टम बायोलॉजी का इनके बगैर चल भी नहीं सकता। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा डाइजेशन का ये चैप्टर यहाँ पे टॉपिक खत्म हो गया। बाकी जीआईटी डिसऑर्डर्स के ऊपर मैं कल बात करूंगा। मेहनत कीजिए, मेहनत का दामन मत छोड़िए, और रिवार्ड मेरा रब देता है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।